संभोग के दौरान अचानक लिंग का तनाव निकल जाना, इसके बारे में बातचीत करने वाले। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। संभोग के दौरान अचानक लिंग का तनाव निकल गया तो पुरुष बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और वैसे स्त्री भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। पुरुष को लगता है कि भाई अपन पुरुष में नहीं, अभी मैन नहीं रहे, क्या हो गया, ऐसा कैसा निकल गया तनाव, क्या मेरी मर्दानगी निकल गई। उसको बहुत गिल्टी लगता है, उसको शर्म आती है कि भाई अभी मैं क्या फेस करूँ मेरे औरत को या स्त्री को। औरत को लगता है कि ऐसा कैसा तनाव निकल गया, अब क्या होगा, इसका क्या मेरे ऊपर प्यार नहीं है क्या, या और कहीं करता है क्या, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, ऐसे होगा क्या बाद में आगे चल के, मतलब ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न निर्माण हो जाते हैं और फिर उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अरे एक आधी बार हो गया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आधी बार हो सकता है, मतलब 2-4 महीने में एक आधी बार हो गया ठीक है, हरकत नहीं है। मगर यदि वो बार बार होता है तो फिर उसका इलाज करना जरूरी है। क्या होता है, एक दो बार भी समझो ऐसा हुआ कि तनाव निकल गया, पहले तनाव आया, इंटरकोर्स चालू किया, संभोग चालू किया, और संभोग चालू करने के बाद में संभोग चालू संभोग में तनाव निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले खून वो पेनिस में, वो लिंग में खून पहले आया 150-200 ml, तनाव आ गया, कठोरता आ गई, और अभी सेक्स कर रहे और खून वापस चले गया, ये पिचक गया पूरा, शिथिल हो गया, तो उसमें फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना आदमी कि भाई अरे हुआ क्या एकदम ये। नेक्स्ट टाइम फिर क्या होता है, उसको डर लगता है कि अभी इरेक्शन आ गया, आप समझो निकल गया, तो फिर वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है कि जल्दी निकल जाएगा, तो फिर जल्दी करो, जल्दी सेक्स खत्म करो। अच्छा, जल्दी सेक्स खत्म करता है तो पत्नी की इच्छा पूरी होती नहीं है, बोलती है मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, आप तो बहुत जल्दी खत्म हो गए, तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो फिर ऐसा होता क्यों है, तनाव अचानक क्यों निकल जाता है, अचानक शर्माने की बारी क्यों आती है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो नंबर एक का कारण यह है कि भाई दिमाग में यदि बहुत ज़्यादा विचार है, स्ट्रेस है, तनाव है, तो फिर सेक्स तो चालू किया मगर तनाव का एक आधा विषय आ गया दिमाग में, टेंशन का विषय आ गया, ऑटोमेटिक आता है वो थॉट्स, तो अपने को पूछ के थोड़ी आते हैं, इधर खटाक से तनाव निकल जाएगा, लिंग का तनाव। मतलब तनाव दो जगह नहीं हो सकता, एक ही जगह हो सकता है, यहाँ तनाव है तो नीचे तनाव आएगा नहीं, यहाँ यदि रिलैक्स है तो नीचे तनाव आएगा। देखो, ब्रेन आपका यदि स्ट्रेस में या थॉट्स में बहुत ज़्यादा एंगेज है तो फिर उसको सेक्स में एंगेज होने के लिए जगह नहीं है, सेक्स की जगह वहाँ है नहीं, जब पूरी जगह थॉट्स ने भरी हुई है तो फिर एक्साइटमेंट होगा कैसे। नंबर दो, बहुत थकान है, थकान है तभी भी सेक्स करने के लिए चालू हो गए, और थकान से फिर बीच में ही ताकत ही निकल जाती है, थकान हो गई है तो ढीला पड़ जाएगा और संभोग पूरा होगा नहीं। नंबर तीन, पति पत्नी में झगड़ा है, संघर्ष है, झंझट होती रहती है, झंझट से ही चालू हो गया सेक्स करना और उसमें ज़बरदस्ती सेक्स कर रहे तो निकल जाएगा, तो उसमें फिर हो सकता है कि शक है पत्नी के ऊपर, उसका मन नहीं है झगड़े के कारण, तो फिर ऐसा होता है। तो पति पत्नी का झगड़ा यदि है तो सेक्स पूरा होगा नहीं, बीच में ही तनाव निकल जाएगा। फिर नंबर चार, वो जो ब्लड के पाइप्स है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, वो पाइप के जो गेट्स है जो ब्लड को वहाँ रोक के रखते हैं, और जो मसल्स है जो रिलैक्स हो चुकी है, अभी उसमें समझो गड़बड़ हो गई तो ब्लड वापस चले जाएंगे जल्दी। क्या होता है कि ब्लड को रिटर्न करने का, वहाँ रखने का कार्यक्रम होता है, यदि ब्लड को वापस जाने दिया तनाव निकल जाएगा, तो वहाँ यदि डिफिकल्टी है, वहाँ डिफेक्टिव कुछ हो गया है तो ब्लड वापस जाएंगे। फिर पांचवा कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, समझो थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस है, किडनी के प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, लीवर के प्रॉब्लम है, ऐसे फिजिकली अनफिट है, तभी भी ऐसा होता है, उसका इफेक्ट लिंग के ऊपर होता है। फिर छठवा, पार्टनर का मूड है, पार्टनर का मूड है वो आपको इंस्टिगेट करती है, करो बोलती है, और आपकी इच्छा भी नहीं है, थके हुए तभी भी आप करने के लिए तैयार होते, क्योंकि उसकी इच्छा है नहीं, कैसे बोलना है, और फिर उसमें दिमाग में और विचार चालू है, इरेक्शन थोड़ा बहुत आता है, थोड़े विचार और ज़्यादा हो गए तो इरेक्शन निकल जाएगा। अभी ये जो कारण मैंने बताया इसमें के अधिकतर कारण, मतलब 90% कारण जो है वो साइकोलॉजिकल है, कि चालू संभोग में लिंग का तनाव निकल जाना, ये वो शर्मा शर्मी की बात होती है, डिस्टर्बेंस बहुत होता है, तो इसमें हिप्नोथेरेपी काम में आती है, हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन उपचार कि जिसमें दिमाग को कैसे रिलैक्स करना वो हम सिखाते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है CBT, वो भी सिखाते हैं, जिसमें भी दिमाग का तनाव कैसे निकाल देना वो सिखाते रहते हैं, और कुछ मेडिसिन देते हैं
कि वही मेडिसिन देके वो जो ब्लड अंदर घुसा हुआ है उसको ज़्यादा देर तक वहीं ठहरा के रखना है, तो मेडिसिन दे दे। तो ऐसे ही इलाज हम कर सकते हैं और आपका सेक्स लाइफ आप अच्छा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।